हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, कल था रक्षाबंधन और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कल मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, ब्लॉग शूट किया था मैंने थोड़ा सा, क्योंकि जब पलक राखी बांध रही थी भाइयों को तब मैंने नहीं किया था। और सो वैसे भी मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा मन नहीं था, सही बताऊँ तो। और इसके बाद खाना वाना खा के हम लोग गए हुए थे क्या बोलते हैं, बच्चों को घुमाने के लिए। आप लोगों ने देखा था जहाँ पर मैं नागपंचमी को गई थी, वहीं गई हुई थी इन बच्चों को लेके। तो वहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा सा बच्चों का, जब बच्चे खेल रहे थे ना, तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और कल मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। सुबह से ही मैं बहुत रोती रही, मैं ना अपने दोनों भाइयों को बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी। क्योंकि ऐसा मतलब मैं जब से हुई हूँ ना, क्या बताऊँ, बच गई, मोबाइल गिर जाता, मैं जब इतनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब तब से लेके आज तक का जो मेरा पहला सावन ऐसा गया है जब मेरे भाई मेरे पास नहीं है, या तो मैं उनके पास चले जाती हूँ या फिर वो मेरे पास आ जाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, मेरा छोटा वाला भाई आ गया था अभिषेक, तो वो मेरे पास आ गया था और छोटी वाली बहन भी आई हुई थी। एंड इस बार ना बड़ा वाला भी नहीं आया, छोटे वाला भी नहीं आया और मैं भी नहीं गई हूँ। मैं क्यों नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी जाऊँगी फिर मैंने कहा रहने दो। बच्चों का जो है ना 15 अगस्त भी अभी पास में ही आने वाला है और अगर हम वहाँ तक जाएंगे कम से कम 2-3 दिन तो रोकेंगे ना, और अगर मैं जाती तो रह नहीं पाती। और मुझे कल इतना रोना आया, इतना रोई मैं, क्योंकि मेरा ऐसा पहला सावन था जो कि मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे पास। और फिर मैं इसलिए भी थोड़ा सा मन को ना वो कर लिया, मैंने समझा लिया कि यार मेरा सावन तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ना ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई नहीं, मेरा भाई नहीं आया है या फिर मैं नहीं गई हूँ, लेकिन पलक के पापा तो ऐसे बहुत साल हो चुकी हैं जिनको उनकी बहनों ने राखी बांधी ही नहीं है। तो फिर मैंने ये बात सोच ली और फिर मैंने कहा रहने दो, जब ये नहीं जाते हैं, क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पर रहते हैं बाहर और हम दोनों इंदौर में रहते हैं, हम लोग अपनी ससुराल नहीं जाते हैं। मतलब ऐसे जाते हैं कभी कभार, साल में एक आध बार दो बार ऐसे जाते हैं और ऐसे बार बार नहीं जा पाते हैं। तो मैंने कहा जब मैंने ये तो जा ही नहीं पाते हैं कभी भी रक्षाबंधन पे, ऐसी मजबूरियाँ फंस जाती हैं कि ये करना है वो करना है, कहीं बच्चों का एडमिशन करवाना है, कहीं ये करवाना है। तो मैंने कहा मेरे साथ तो एक ही बार हुआ है, ये तो हर साल ऐसे ही अपने मन को मार लेते हैं कि ये रहने दो यार, पहले घर का देख लें, बच्चों का देख लें, मेरा देख लें, फिर इसके बाद मैं आगे का देखेंगे। तो ये नहीं जाते हैं, हर बार सोचते हैं कि चलो इस बार राखी पे जाएंगे, दीदी उनसे राखी बंधवाएंगे, दो बहन इनकी भी हैं, मेरी दो ननंद हैं, तो सोचते हैं लेकिन जाते नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, फिर मैं इसी वजह से नहीं गई हूँ। एक तो बच्चों का वो मिल गया मुझे रीज़न था कि बच्चों का स्कूल भी हो जाएगा, वो नहीं जा पाएंगे, छुट्टी हो जाएंगी और 15 अगस्त भी आने वाला है, तो ये हो गया। और दूसरा यही था कि जब पलक के पापा नहीं जाते हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनको भी तो लगता है कि मेरी भी बहन है, मुझे भी राखी बांधना है, इस वजह से फिर मैं भी नहीं गई हूँ। और कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि जब भी अगर टाइम मिलेगा तो हम दोनों जाएंगे, ये भी जाएंगे घर और मैं भी जाऊँगी अपने माँ की राखी बांधने, और ये भी अपनी दीदी के पास जाएंगी राखी बांधवाने। तो गाइस चलिए, जो मैंने कल ब्लॉग शूट किया था वो आप लोग देख लीजिए, और ऐसा मत कर वो सोचना कि कल का ब्लॉग आज दिखा रही हूँ, क्योंकि ऐसे रहते हैं ना मोमेंट्स जो कि हम शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग इंजॉय कीजिए, ठीक है? मिलती हूँ थोड़ी देर से। हे एवरीवन, मैं रचना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ हमारे चैनल रचना पलक ब्लॉग्स में, और मैं हूँ रचना और ये हैं मेरे पति देव राजेश। तो हम लोग अभी कहीं चल रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं ये भी बता देते हैं। उस दिन हम लोग नागपंचमी के दिन आए थे घूमने के लिए, हम दोनों आए थे हस्बैंड वाइफ, तो मैंने कहा चलो मैं अपने बच्चों को भी आज घुमा देती हूँ थोड़ा सा, आज रक्षाबंधन है। सो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और हम लोग खाना वाना खा के फ्री हुए थे तो हमने कहा चलो बच्चों को थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो ये देखो दोनों बच्चे मस्ती करते हुए, बहुत मस्ती कर रहे हैं। एक तो क्या है ना, एकदम खुला मैदान है, खुला एरिया है ना, तो इनको बहुत मस्ती करने में मजे आ रहे हैं। तो बस दोनों मस्ती कर रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं। चलिए इनको थोड़ा झूला वूला घुमा देते हैं, क्योंकि बच्चों का तो यही रहता है और मैं ना थक चुकी हूँ, सांस फूल रही है मेरी।
चलिए वहीं पहुंचते हैं, फिर आप लोगों से करते हैं बात, दिखाते हैं। वैसे भी आप लोगों को तो दिखा चुके हैं। पत्ती देव, कैसन लगा था? ठीक लगा था। मजे आवत है? खाना खा के आए तो बहुत पेट थक रहा है। ये तो टिल्लू निकल गया। टिल्लू ममता भरे। चलो वहीं चल चल के ना आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि थक चुके हैं, हाथ दुख रहा है मेरा। हेलो, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, आज हम लोग जा रहे हैं जंगल में पहाड़ के ऊपर घूमने। यस, और फिर हम लोग चलेंगे पार्क। ओ दीदी तो नहीं रो रही झूले में, तुम क्यों रो रहे हो? नहीं झूलना। सो गाइस, ये था ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए मेरा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए मेरा। और चलिए तो अभी हम ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।